क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट है 4.8 डिवाइड बाई 10। अब नीचे जो है वो 10 है, तो देखिए किस टाइप से हम इसे डिवाइड करेंगे। 0 नीचे होते हैं, जितने 0 नीचे होते हैं ऊपर पॉइंट के लेफ्ट साइड में उतने ही डिजिट पॉइंट आगे खिसक जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पॉइंट 8 के लेफ्ट में था, नीचे 10 है तो लेफ्ट पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा। तो पॉइंट जो आ जाएगा वो हमारा 4 के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.48। इसी टाइप से हम सेकेंड पार्ट करेंगे, 52.5/10। नीचे 10 है तो 10 है तो पॉइंट जो है ऊपर 2 के लेफ्ट में आ जाएगा। तो 2 के लेफ्ट में पॉइंट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा 5.25। थर्ड पार्ट है 0.7/10। अब देखिए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिजिट नहीं है तो कोई बात नहीं, 7 राइट करेंगे, 7 के लेफ्ट में 0 राइट करेंगे तब यहां पर पॉइंट लगाएंगे। तो आंसर हो गया हमारा 0.07। फोर्थ पार्ट है 33.1/10। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे। मैंने बताया था आपको कि जितने 0 नीचे होते हैं ऊपर पॉइंट के लेफ्ट में उतने ही डिजिट पॉइंट आगे खिसक जाता है। तो यहां आएगा आपका 13 के आगे पॉइंट लग जाएगा, 3 के लेफ्ट में पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.31। फिफ्थ पार्ट है 273.23/10। तो बस वही कंडीशन, 10 है तो पॉइंट जो है पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में 1 खिसक जाएगा। तो पॉइंट अब कहां आएगा, 3 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो आंसर आएगा हमारा 27.323। सिक्स पार्ट है 0.56/10। अब देखिए पॉइंट की लेफ्ट में कोई भी डिजिट नहीं है तो हम यहां पर पॉइंट के बाद जो है 0 मान लेंगे। तो आंसर आएगा हमारा 0.056। सेवंथ पार्ट है 3.97/10। अब देखिए पॉइंट जो है लेफ्ट हैंड साइड में 1 खिसक जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 0.397।